नमस्कार, इस समय मेरे साथ जुड़े हुए राज किशोर जी। ये मध्य प्रदेश से हैं। इनका भी एक अलग ही कहानी है इनका जिंदगी के बारे में। ये 22 साल से चला रहे हैं रिक्शा करता हूँ मैं। वीडियो इसलिए बनाता हूँ लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों का लाइफ स्टाइल किस तरह से ये मतलब चलता है। तो आप कितना कमा लेते हैं महीने में? महीने में कमा लेता हूँ 6000 सर जी। 6000 के आसपास इनका एवरेज इनकम है। 6000 का, उसमें से आपका खाने का कितना खर्चा होता है? खाने का होता है 3000 का हो जाए। 3000 खर्चा होता है, ठीक है। 3000 बच गया उसमें, 3000 बच गया। हाँ, 3000 में आप रूम का भी आपका रेंट देना पड़ता है, इनके रूम का भाड़ा देना पड़ता है इनको 3000 रूपए रूम का भाड़ा। उसके बाद बोलिए, जब उनका भाड़ा चुकता है तो हमारे पास 2000 रूपया बचता है। 2000 रूपया बचता है इनके पास सब कुछ होने के बाद। उसके बाद फिर अपने उत्पादन कर रहे हो, क्या है काफी मुश्किल है। और गर्मी में भी चलाते होंगे आप गाड़ी रिक्शा? गर्मी में चलाते हैं ना, कोई राहत नहीं, मतलब कमाना तो कमाना है। इनका जो फैमिली उमली है, इनका फैमिली भी घर में ही रहते हैं, मतलब इनका यहाँ अकेले रहते हैं, इनका यहाँ कोई है भी नहीं तो ना क्या। और खाना भी खाते है होटल में, ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट में गए, मतलब कोई हाई फाई तो छोड़ दीजिए, मतलब रेस्टोरेंट में हमारा खुद बनाने का टाइम भी नहीं है, मतलब खाना तो खुद ही बनाते हैं आप, होटल में खाते हैं। हाँ, होटल। ये होता है लाइफ का संघर्ष। एक हम लोग है, एक इनका देखिए कितना अलग लाइफ स्टाइल है इनका। चाहे बारिश दे तो कुछ भी हो, काम तो काम है, काम है हमारे लिए, बैठने के लिए जगह नहीं है। कितने घंटे का बनता है एवरेज आपका ये पूरा? 14 घंटा से कम होगा। 14 घंटा, कैन यू बिलीव इट? हम लोग छात्र लोग कितना घंटा बैठ पाते हैं क्लास में? 14 घंटा इनका यही सब काम चलता है। तो काफी एक मतलब रोचक कहानी इनका है, कभी सोचने के लायक है कि इतना मेहनत, इतना संघर्ष इतना आसान नहीं है। इसलिए ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। मैं बनाता भी रहता हूँ। कल मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था हेयर सैलून के बारे में, आज मैं इनके बारे में दिखाया राज किशोर जी का कहानी बहुत जरूरी है। इसलिए हम जब भी इनसे मिले आदर से बात करें, इनके बारे में पूछे, घर बार परिवार के बारे में, कभी इनसे झगड़ा ना करें कि पैसा क्यों दे क्यों ना दे। चलिए आगे चलते रहिए, लाइफ देखता है। तो यही था एक मकसद बात करने का। चलिए राज किशोर जी, और आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई भी चीज़ कुछ भी बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे आप? हाँ, इनका और एक बात है, इनका बैटरी जो आप देखते हैं ये लोग खरीद नहीं पाते क्योंकि उसमें खर्चा भी बहुत है। इसलिए देख रहे हैं कि पेड़ से चलाते हैं इनको, कितना मेहनत है इनका। इनका बैटरी वाला वो नहीं है क्योंकि उसमें खर्चा अलग से है, और भी बहुत प्रॉब्लम आता है उसमें, इंजन का प्रॉब्लम, तो इनको इस तरह चलाना पड़ा है। दिल्ली है, आपको आज दिखेगा ओला उबर ऑटो, पर इनका आज जो मतलब ये बदल नहीं पाएंगे वो आदत को। चलिए इसी बात से धन्यवाद सो मच राज किशोर जी, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। अब हम दिखा पाए लोगों को, लोग भी समझेंगे आपका कहानी को। अच्छा लगेगा। धन्यवाद राज किशोर जी, थैंक यू।